माइंडफुलनेस पोज होल्ड करिए, स्वाइप इट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। योगा से ही होगा, जी हाँ, योगा से ही होगा, यूं ही नहीं कहते, योगा से बहुत सारी बीमारी दूर होती है और आपके चेहरे पर जो ग्लो दूर हो जाती है किसी ना किसी कारण से, वो चेहरे पर ग्लो भी वापस आ सकती है। जी हाँ, आज हम अपने इस एपिसोड में मानसी जो हमारी गेस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो हमें बताएंगी कि कैसे चेहरे पर ग्लो लाया जाए योगा के जरिए, साथ ही चेहरे को कैसे शेप में रखा जाए। तो चलिए मानसी, हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लेट अस स्प्रेड लव हैप्पीनेस पीस विद ओम चैंट। ओम का उच्चारण करेंगे, जेंटली रब योर पाम, अपनी आंखों पे रखिए, कीप योर हेड डाउन, लाइट मसाज on your face, palm close to your chest, guys. Om बहुत beautiful mantra होता है, तीन शब्दों को हम साथ में जोड़ते हैं, आ ऊ मा। Face yoga combination होता है exercises का, breathing exercises का, acupressure का, massages का और mantra का। Sound बहुत important होता है, ये हमें और positive बनाता है और आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सा निखार रहता है। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी कपोल धोती क्रिया। कपोल का मतलब होता है मुख, धोती का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, फेस प्यूरिफिकेशन क्रिया। फिंगर टिप, प्रेस योर फिंगर टिप, गहरी सांस लीजिए, फिल योर माउथ विद एयर, रिलीज। इस क्रिया में आप अपनी सांसों को होल्ड करते हो 10 सेकेंड के लिए। ये अलाउ करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हरासन को 3 बार जरूर करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार और करेंगे कपोल धोती क्रिया, गहरी सांस लीजिए, फिल योर माउथ विद एयर, होल्ड योर नॉस्ट्रिल, रिलीज। तो इस क्रिया को जरूर करिए, आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएंगे, चेहरे पे बहुत खूबसूरत सा निखार आएगा। अब मैं आपको आसन बताऊंगी जिसको आपको करने चाहिए। अच्छी बात ये है, इसको हम किसी भी समय कर सकते हैं, वी कैन डू इट एनी टाइम एनी वेयर। तो विल डू इट गाइज, आप बलून बनाइए, चेहरे पे मुख पे हवा को भरिए, रिलीज। आपके 57 मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। तो फिर से करेंगे, फिल योर माउथ विद एयर, होल्ड, रिलीज। अभी हम एक और आसन करेंगे, इस आसन को भी करने से आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स डू इट, वी आर गोइंग टू स्क्वीज आवर फेस, स्क्वीज योर फेस, ओके, एंड रिलीज। इट हेल्प टू रिलैक्स योर फेशियल मसल, बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स को पूरा क्लियर करता है, तो मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है। इस आसन को हम दोबारा करेंगे, स्क्वीज करिए अपने चेहरे को, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करिए एंड रिलीज। सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट आसन, आप इसको कर सकते हैं, बेस्ट एंटी एजिंग आसन भी है। एक बार और करेंगे, अब अपनी सांसों को भी होल्ड करिए साथ में, स्क्वीज करके अपनी सांसों को होल्ड करिए एंड वेरी स्लोली रिलीज गाइस। You are going to see amazing transformation. आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब एक और आसन मैं आपको बताती हूँ, ये भी ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, इसको हम माइंडफुलनेस पोज बोलते हैं।
अपने हाथ को फोरहेड पे रखिए, अप्लाई करिए 10 सेकंड के लिए प्रेशर यहाँ पे, स्वाइप करिए जेंटली साइड ऑफ योर फोरहेड टेम्पोरल रीजन, अप्लाई करिए प्रेशर को, रिलीज द प्रेशर, इंडेक्स फिंगर से अपनी आई बॉल को रोटेट करिए, 1 2 3 जेंटल रिवर्स, 1 2 3 एंड रिलीज। तो ये बहुत अच्छा आसन होता है माइंडफुलनेस पोज, इसको करने से आपके नर्व स्टिमुलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक बार और करेंगे, सेंटर ऑफ योर फोरहेड अप्लाई द प्रेशर 10 सेकेंड के लिए, स्वाइप करिए साइड ऑफ योर फोरहेड, अप्लाई करिए प्रेशर को, आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए, इंडेक्स फिंगर से अपनी आईबॉल को रोटेट करिए, रिलीज। चलिए एक लास्ट आसन मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत अच्छा रहता है, इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। सिंपली रब योर पाम, जनरेट हीट, सबसे पहले फोरहेड पे रखिए, स्वाइप इट लाइट मसाज टेम्पोरल रीजन, अगेन फोरहेड पे लाइट मसाज टेम्पोरल रीजन, तीसरी बार लाइट मसाज टेम्पोरल रीजन, नाउ साइड आपके फेस के इस एरिया पे विल डू अ प्रॉपर पिंचिंग, 10 सेकेंड के लिए पिंचिंग करेंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका जो भी मसल स्ट्रेस है वो भी रिलीज होगा। अमेजिंग आसन गाइस, डू अ पिंचिंग प्रॉपरली, रब करिए पाम को, हीट को जनरेट करिए और ऊपर की तरफ प्रेस करिए, 1 ऊपर की तरफ प्रेस करिए, 2 ऊपर की तरफ प्रेस करिए, 3 एंड रिलीज। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मन को शांत रखेंगे, गहरी सांसें लेंगे, सांस छोड़ेंगे, विल चैंट ओम लिटिल लाउडर, ओम का उच्चारण करेंगे एक बार और, गहरी सांस लीजिए, आंखों को बंद ही रहने दीजिए 10 सेकंड के लिए, फील द सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, फील योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, वेरी जेंटली रब योर पाम, जनरेट हीट, कीप इट ऑन योर आईज, हेड डाउन, लाइट मसाज ऑन योर फेस, पाम क्लोज टू योर चेस्ट। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, आप अपने विचार सुझाव शेयर कर सकते हैं, तो धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि फेस के लिए हम कुछ ध्यान नहीं देते, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं कि मेकअप लगाएंगे तो हम ग्लो करेंगे, लेकिन नेचुरल ग्रो जो होता है वो नेचुरल ग्लो ही होता है, वो अलग ही दिखता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, और ऐसे ही और भी स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। आपको कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।